सिर्फ एक चमच दुध विच मिला के लै लो। कोलेस्ट्रोल, नसा दी ब्लॉकेज, जोड़ां दा दर्द, हाई ब्लड प्रेशर अते कैंसर जी बीमारी कदे नहीं होवेगी। दोस्तों अज असी तुहानूं इस तरह के घरेलू नुस्खे बारे दसन जा रहे हाँ जो साडियां हड्डियां अते मांसपेशियां नूं जोड़ के रखदा है जिस नाल साडियां हड्डियां मजबूत हुंदियां हन। इस तों इलावा यह साडे शरीर चों बुरे कोलेस्ट्रोल नूं घट करदा है जिस नाल सानूं दिल दीआं बीमारियां नहीं हुंदियां अते यह नुस्खा नसा नूं साफ करदा है क्योंकि इस अंदर पोटैशियम बहुत ज़्यादा मात्रा च हुंदा है जो साडे हाई ब्लड प्रैशर नूं भी कंट्रोल करदा है। इस विच एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा विच पाए जांदे हन जो साडी इम्यूनिटी नूं वधाउंदे हन जो सानूं कैंसर जिही बीमारी तों भी बचाउंदे हन। इस तों इलावा यह नुस्खा नींद ना आउण दी समस्या अते ब्लड सर्कुलेशन दी समस्या नूं भी ठीक करदा है। चलो हुण तुहानूं दसदे हां यह नुस्खा किस तरह बनाउणा है अते किस तरह लैणा है। इस तों पहलां जे तुसीं साडा फेसबुक अते यूट्यूब चैनल सिहत पंजाब हैल्थ सबसक्राइब नहीं कीता तां कर लो। दोस्तों जे तुहानूं जोड़ां विच बहुत ज़्यादा दर्द हुंदा है अते ग्रीस सुक गया है तां यह नुस्खा तुहाडे जोड़ां विच लचीलापन लै आवेगा। इस तों इलावा जे तुहाडे शरीर विच कोलेस्ट्रोल वध गया है, नसां विच ब्लॉकेज है, अक्खां दी निगाह घट गई है, डायबिटीज है जां फिर तुहानूं चक्कर आउंदे हन, नसां दी कोई भी समस्या है, तुहानूं इह नुस्खे दा इस्तेमाल जरूर करना चाहीदा है। इस तों इलावा तुहाडे खून विच गंदगी जमा हो गई है जां फिर पाचन संबंधी कोई भी समस्या है, खादा पीता चंगी तरह हजम नहीं हुंदा तां फिर भी इह नुस्खा बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों हुण असीं तुहानूं दसदे हाँ यह नुस्खा बनाउणा किस तरह है। इस नुस्खे लई सानूं तीन चीज़ां दी जरूरत पवेगी, एक गिलास दुध, एक चमच अलसी दा पाउडर अते अद्धा चमच मिश्री। इस नुस्खे नूं बनाउण दे लई सब तों पहलां दुध उबाल लो अते दुध विच एक चमच अलसी दा पाउडर मिला लो अते इस दुध नूं मिठा बनाउण दे लई इस विच अद्धा चमच मिश्री मिला लो। जे तुहानूं डायबिटीज है तां मिश्री दा इस्तेमाल ना करो। दोस्तों अलसी विच ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा विच हुंदा है, इस नाल जोड़ां विच लचीलापन आउंदा है अते जोड़ां दा दर्द ठीक हो जांदा है। दोस्तों अलसी दी तसीर गर्म हुंदी है, जे तुसीं इस नुस्खे नूं गर्मी विच लैणा है जां फिर तुहाडे शरीर दी प्रकृति गर्म है तां सिद्धा अलसी नूं दुध विच मिला के ना लो। पहलां अलसी नूं भिओ लो अते फिर इस दी पेस्ट बना के दुध नाल लो। इस नुस्खे नूं सवेरे खाली पेट लो। यह नुस्खा लैण तों बाद दिन विच 3-4 वार सौंफ जरूर चबा के खाओ, तुहाडियां सब समस्यावां ठीक हो जाणगियां। दोस्तों यह सी एक असरदार घरेलू नुस्खा, उम्मीद है यह जानकारी तुहाडे लई फायदेमंद होवेगी। वीडियो देखण लई धन्नवाद।